जनपद सीतापुर के कस्बा महमूदाबाद बाया में रेवसा मार्ग पर हुआ भीषण एक्सीडेंट, जिसमें घायल व्यक्ति का नाम जसकरण लाल पुत्र शिवलाल उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी ग्राम गौशाला पूर्वा सीतापुर की रेवसा मार्ग पर गली की दुकान है। जसकरण लाल अपनी दुकान बंद करके अपनी प्लेटिना बाइक से घर गौशाला पूर्वा सीतापुर जा रहा था कि बाबा कुटी से पहले जियारी पूर्वा के पास बाइक के सामने अचानक सांड के आ जाने से बाइक सवार का एक्सीडेंट हो गया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा डायल 100 एवं 108 नंबर पर सूचना दी गई। सूचना पाते ही डायल 100 पीआरवी 1826 बुलेरो घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस में लादकर सीएचसी महमूदाबाद पहुंचा और घायल व्यक्ति के परिजनों को सूचना दी। वहीं सूचना पाते ही घायल व्यक्ति का लड़का संदीप कुमार सीएचसी महमूदाबाद पहुंचा। यहां घायल व्यक्ति के सिर में चोट लगने के कारण प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टर ने जिला अस्पताल सीतापुर रेफर कर दिया। घायल व्यक्ति के पास बरामद सामान व रुपए संदीप कुमार के सुपुर्द कर दिए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अतुल त्रिवेदी की रिपोर्ट, सीतापुर। पूरनपुर के ग्राम दुर्जनपुर कला में किया गया विशाल भंडारे का आयोजन। सभी राहगीर एवं पूर्णागिरी माता के दरबार से लौट रहे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं दुर्जनपुर कला के माननीय देशराज के द्वारा किया गया भंडारे का आयोजन एवं सभी ग्राम वासियों के द्वारा भूमसेन बाबा पर मंदिर भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ता श्री पाल देशराज, बाकीलाल रामधर, गंगाधर, राज डालचंद सभी भक्तों के द्वारा मंदिर भवन का कार्य कराया जा रहा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अनिल राज की रिपोर्ट, पूरनपुर पीलीभीत। जनपद हरदोई की ब्लॉक कछौना की ग्राम सभा भर्रा घुमन में नाली की सफाई कर्मियों की न्यूज टीवी वन इंडिया न्यूज चैनल से खबर चलाई, जिसका असर पड़ा। न्यूज चलने के बाद सफाई कर्मचारी श्री संतोष कुमार नाली की सफाई करने पहुंचे व चुनाव में व्यस्त होने के कारण नाली की सफाई न हो पाने का कारण बताया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुधीर शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई। फिरोजाबाद में पंचायत के लिए कूड़ा घर बनाने के लिए जमीन न देने पर एसडीएम जसराना ने कुतकपुर के प्रधान चंद्रशेखर को जेल भेजने की धमकी दे डाली। मामला विधायक रामगोपाल और पप्पू लोधी के संज्ञान में आया तो समर्थकों के साथ तहसील दिवस में पहुंचकर एसडीएम से बात की। इस दौरान एसडीएम और विधायक में जमकर कहासुनी हो गई। वहीं विधायक ने कहा कि नगर क्षेत्र का कूड़ा गांव में नहीं डाला जाएगा, साथ ही प्रधान को धमकी देना गलत है। वहीं एसडीएम ने कहा कि दो बार बुलाने के बाद भी प्रधान उनसे नहीं मिलने आए। विधायक रामगोपाल और पप्पू लोधी ने कहा कि अधिकारियों की दबंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मामला शासन तक उठाया जाएगा। ये चीज को लेके ना बीच सड़क पे आधी रात इशू बना रहा है, आधी रात बना हुआ है, कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। मैंने भी कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, आपको हमेशा न्याय का काम कोई मांगे, मैंने आपको एक बार फोन किया था आपसे एक महीना पहले, मेरी बात सुनिए, एक महीना पहले मैंने आपको फोन किया था कि मैंने सरकारी वहां पर एका में गेहूँ पकड़ा था कि नए वार्ता ने पुराना गेहूँ होता रहा है, उससे ज्यादा होता रहा है।
सुनिए अर्जुन साहब, ये काम है, मैं अपने ऊपर एक एलिगेशन बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल एक पैसे का दाग नहीं, कोई आरोप नहीं लगा सकता मुझ पर, ना पब्लिक का ना राशन का। अगर आप जाएंगे तो कोई मेरे ऊपर की चाय का इल्जाम लगा सकता है। अच्छी बात, अच्छी बात। मैं अब आप अगर कोई चाय का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिखा देना, किसी दिन बधाई की इस्तीफा दे दूंगा। अगर कोई चाय का इल्जाम लगा दिखा दे मेरे ऊपर, क्या बात कर रहा है आप? मेरे ऊपर लगा के दिखाओ, चाहे इल्जाम लगा के दिखाओ। आप लगा क्या इल्जाम लगाया आपके ऊपर? ले लिए लगाया उसमें, आपने क्या कार्रवाई की? क्या कार्रवाई की? मैंने ये भी आपसे, जब मैंने आपको बताया कि नए वार्ताने में पुराना मुझे, आपने क्या कार्रवाई की? और मैंने आपको, मैंने आपको दो तीन बार फोन भी किया, मैंने जांच मां के पास जांच किया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। जनपद हरदोई के 52 सालाना हजरत मखदूम जहानिया बाबा का उर्स बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें दूर दराज से आए अकीदतमंदों ने शिरीन चढ़ाकर फातिया कराई और अपने पहले अहबाब व मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। मखदूम जहानिया बाबा के सालाना उर्स में हजारों की संख्या में हर वर्ष की तरह इस बार भी हिंदू मुस्लिम भाइयों की काफी तादाद रही। यहाँ आए सभी जायरीनों का बाबा से दिल से दुआ मांगी, वही दुआ को पूरा करते हैं। वैसे भी जुमेरात के दिन यहाँ सैकड़ों की तादाद में हिंदू मुस्लिम अपनी मुराद को लेकर आते हैं। उनका मानना है कि आने से उनकी मुराद पूरी होती है। मखदूम जहानिया बाबा के सालाना उर्स में इस बार भी कव्वाली का जोरदार जवाबी मुकाबला हुआ, जिसमें दूर दराज से आए जायरीनों ने लुत्फ उठाया। वहीं मुख्य आकर्षण का केंद्र इस बार लगे झूले व खानपान की दुकानें रही। यहां आए जायरीनों ने झूले को ज्यादा महत्व दिया, बच्चे व नौजवानों के बीच झूले का ज्यादा क्रेज रहा। वहीं कव्वाल शबाब वारसी लखनऊ ने अपने पढ़े कलाम से महफिल में शमा बांध दिया। वहीं कव्वाला आलिया इंडिया दिल्ली ने भी मखदूम जहानिया में आए जायरीनों का अपनी कव्वालियों से खूब दिल जीता, जिससे सुबह तक सुनने वालों की भीड़ का ता लगा रहा। मखदूम जहानिया कमेटी इरशाद खान, जिशान खान, मोहित खान, मिराज खान, शहीद खान, अजीमुद्दीन खान आदि लोग मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई। जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम मालपुर में जेठ माह के तीसरे मंगलवार को मालपुर चौराहे पर शरबत व हलवे का भंडारा किया गया। भंडारा सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें ग्रामवासी क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें ग्रामवासी अमरीश पांडे, रामजीवन मंगत राम उर्फ मिठाई वाले अशोक त्रिवेदी, सतीश त्रिवेदी, शुभम मिश्रा, शिवा मिश्रा, आलोक शर्मा, कैलाश शर्मा, संतराम शर्मा, अजय अवस्थी, राजेश दुकानदार, पंकज कश्यप आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। We'll be right back.